भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि उनके जीवन से हमने शिक्षा लेने की जरूरत है। उनका जीवन हमने किसान और ग्रामीण एरिया की उन्नति खातर हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित करी जाएगी। यह बैठक हर महीने हो से आज 3 बजे बैठक शुरू होगी। निकाय मंत्री कमल गुप्ता बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक किस तरह होगी और बैठक में क्या क्या चर्चा होगी अगर के करा जाएगा यो एजेंडा बना की अधिकारियां थी भेज दिया गया है। अगली खबर टोहाना तक। टोहाना में मिलन चौक पर एक दुकान में चोरा ने नगद रुपये और गणे का सामान लेकर फरार हो गए। इबनू बेरा पाटिया नहीं से आगे भाई वह थे कौन लेकिन तावड़ा बेरा पाट जाएगा क्योंकि सारी घटना सीसीटीवी में कैद होगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है। जना जना वीडियो ने देखने लग रहा है तो कोई ना कोई चोरा ने पिछाण भी जाएगा। दुकानदार ने जी तड़के आके देखा कि आड़े तो चोर चिवाड़ चैस गए तो दुकानदार सीधा पुलिस दौर गया और पुलिस ने सारी बात बताई। पुलिस ने जिस बात का बेरा पाटा बेरा पाट दिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दुकानदार ने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है कि देखियो मेरे कहने भी चोरान तो क्या है जोगा कौन छोड़ा इब थारे तो उम्मीद है। अगली खबर आई है रोहतक से। संसद भवन की नई बिल्डिंग के सामने पुलिस और आंदोलन करनी पहलवाना के बीच में झड़प होगी। पुलिस ने 40 आंदोलनकारी हिरासत में ली ली। माहौल में गर्मा गर्मी हो गई थी। आपसरी में खिंचा तान बढ़ गई थी और इस खिंचा तान में एक महिला बेहोश हो गई। प्रदर्शन करनी बोले कि जितने शरीर में जान से गेल ने कोनी हटा या लड़ाई नुए चलेगी और इसने नुए आगे लेके जावांगे। उस टाइम मौके पर डीएसपी से बात करी गई तो डीएसपी ने के कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन होया से उड़े किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले ज्यादा हमने आंदोलनकारी पकड़े से हमनू चाहवा हाँ की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो ज्यादा हमने 40 आंदोलनकारी हिरासत में ले रखे से। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का अभिनंदन समारोह आयोजित कराया गया। प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इतने लोगों का समर्थन देख की कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्साह और उनकी आवेश देख की अशोक अरोड़ा राजी हो रहा था। उस टाइम पर अशोक अरोड़ा फुल्या नहीं समा रहा था। इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि सब ने साथ लेके चलेंगे और कुरुक्षेत्र का विकास करवाएंगे। थमने इतना मान सम्मान दिया मेरे पर विश्वास जताया उसके लिए थारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर उनने दिल्ली में पहलवाना के धरना प्रदर्शन पर भी बात करी। पहलवाना के धरने ने लेकिन उनने सरकार की आलोचना करी। उनने कहा कि बेटियां के लिए ठीक नहीं कर रही सरकार। आगे जित वोट पड़ेंगे जित जनता बताओगी इनने वोट पड़ दिए इनने लोग सत्ता से बाहर करेंगे। जो सरकार के गीत गाओ हैं उनने तो ये किम्मी नहीं कहंदे और जो गीत नहीं गांदे उनने ये ठाकी ने बार बगा दे। रोहतक में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में सारे बस स्टैंड डिपुआ में 2-2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करा। मतलब जब बात नहीं मानी तो यो धरना दिया जाएगा सारे दिन और यो फिर बेरा कोनी कह दिन चल जाए। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारी के बोले कि सरकार ने हमारी गेल ठीक नहीं करा। हमारी मांग मान तो ली अरिबन पूरी कर नहीं रही या ठीक बात कोनी। जब हमारी मांगा का समाधान नहीं करा तो हम 11 जून ने फरीदाबाद में परिवहन मंत्री के घर ने चौगड़ते तक घेरेंगे और जब फिर भी बात नहीं बनी तो 26 जून ने सबत प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम होगा। भाई अगली खबर कसूत से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मजदूरों के बालका तई बड़ी सौगात दी है। मनोहर लाल ने मजदूरों के बालका तई दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों के बालकों से सीधी बात करी। उस टाइम उन्होंने एक बात और कही
कि हरियाणा सरकार मजदूरों का और मजदूरों के बालका का पूरा ध्यान रख रही है और पूरा सम्मान कर रही है, क्योंकि देश के विकास में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि सब किमी तो ये बनाओ से बिल्डिंग ले, घर ले, बड़े बड़े भवन ले, इनने के कारण देश तरक्की कर रहा है। और जाए तो हमने फैसला लिया है कि वही इनके बालका का ख्याल हम रखेंगे और सरकार ने इनकी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का फैसला कराया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसार के उकलाना में विधायक नरेश शेरवाल के साथ जनसभा करी। जनसभा में उसने ना इनेलो वाले छोड़े, ना बीजेपी वाले छोड़े और ना छोड़े जजपा वाले, सारे पर जुबानी राजनीति खूब हमले करे। उस टाइम उन्होंने कहा कि भी इनेलो सरकार में कंडेला कांड होया था और कंडेला कांड किसान भूले को नहीं है और किसाना ने वह बात जो भूल गए उन्हें भी याद करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई हिसार लोकसभा में 9 सीट और 9 में तो 6 सीट लोगों ने विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन राज्यसभा में 9 के 9 इकट्ठे हो गए और 9 के 9 ने बीजेपी को उम्मीदवार थी वोट दिए। तो जहां तक आड़े के लोगों का विश्वास खो दिया है उन 9 के 9 ने, आगे वे ना जनता के बीच में आने जोगे और ना जनता के वोट लेने जोगे। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट तो जीते थे और लेकिन जीत की नहीं शामिल हो गए भाजपा में और राज्यसभा में इसने वोट भी भाजपा का दिया। तो ये भी वो आगे किस तरह पब्लिक के बीच में वोट मांगने जागा। कुलदीप बिश्नोई पे लोगों ने विश्वास खो दिया से, किसी प्रकार का कोई विश्वास कुलदीप बिश्नोई पे लोगों का नहीं रहा। अगली कसूत खबर हरियाणा के टोआने थे। कसूत तो के चोरा ने टोआने में पूरा गदर तार रखा है। कौन से गांव का मामला है? गांव समेण में अज्ञात चोरा ने 3 घर में लूटपाट मचा दी। सोना चांदी नकदी जो भी हाथ लग गया वो सब किमी लेके ने फरार हो गए। पुलिस ने बेरा पाटा, पुलिस आई, इतने तो चोर उड़ा था चंपत हो लिए लेके सारा सौदा। पुलिस इस मामले की जांच करने लग रही है। जांच पाछे बेरा पाटा का भाई कौन थे और भाई कित गए, कितना के नुकसान हुआ। पुलिस वाले गांव वाले ने कह की गए हैं भाई थोड़ा बहुत ध्यान थम भी रखा करो, रात ने पहरा लगान लग जाओ और चौकीदार ने कहो कि भी थोड़ा बहुत रुखाली चौकीदार भी करे और अपने स्तर पे भी अपना ध्यान देना शुरू कर दो। हम आवा हाँ इतने तो जो तो ले है, तो अपना ध्यान थम खुद भी रखो। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के सोनीपत से। हूँ तो सब नबेरा है कि भाई पुलिस का काम वो है कि पब्लिक की सेवा करना, पुलिस वो भी लोगों के काम खातर है, पब्लिक की सेवा करने खातर है, लेकिन यह वर्दी इसी चीज हो से या पैर दिए इसमें ऐसा नशा हो से, कई आदमी तो नू समझ लो दारू तो भी बुंडा नशा कर जाए वर्दी का, उनके नू नहीं समझ में आवे कि भाई सही केस है और गलत केस है, हमने के करना से के नहीं करना से। वर्दी पैर की ऊ तो इंसान ने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन कई डोन पाक जे हैं। ईसाए मामला एक सोनीपत से ही आया है। मोहाना थाने के पुलिसकर्मी अनिल ने वर्दी का रोब दिखा कि ने एक आदमी इतना परेशान कर गया आके भाई वो बेचारा रोंदा अंडे से। के था पूरा मामला आज वो बतावांगे तुमने। मामला जमीनी विवाद से जुड़े उड़ा था। दो आदमियों का आपस में जमीन ने लेकर झगड़ा था। सोनीपत के गांव भटाणा जाफराबाद के कृष्ण का अपने गांव के रामेश्वर कन्हैया और सीमा के गेली जमीन ने लेकर भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था और इससे विवाद की 26 मई ने सोनीपत कोर्ट में तारीख भी थी। जो पीड़ित परिवार था वो कोर्ट में ना जा सके, इसलिए अगली पार्टी ने मिलकी ने पुलिस आने के लिए ऐसा काम कराया कि भी एक दिन पहले वो सारे ठुआ दिए और इतने उनकी तारीख का टेम हो लिया और 3 बजे पाछे वो घर ने छोड़े। बताओ भाई, और अगले दिन वो 3 बजे पाछे छोड़े, इतने उनकी तारीख का टेम जा लिया। भाई कसूता काम है पुलिस का भी। पीड़ित जो रविंदर था उसने पुलिस ने बताया कि घर में मारे गुंडे घुस गए। इस बात की सूचना रविंदर ने पुलिस ने दी। पुलिस वाला पहले ही भरा बैठा था, वो लग गया सीधा गाल दूफट देन। वीडियो में यह बात हम सुन और देख भी सको हो अब किस प्रकार पुलिस वाले फोन जान दिए गाल देने लगे और वो कहने लगे भाई तन्नर तेरे बाप ने ठाकी ने जेल में घेर देंगे। पुलिस वाले नाड़े भी ना सारी, वह लगातार भाई आदमी देखे ना लुगाई देखे ना जो भी आगा वो जो भी उनका मुंह में आया वह गाल बकी गए। पुलिस वाले नू समझ लो भाई ना तो अपनी वर्दी की लिहाज रखी ना इंसानियत की लिहाज रखी,
और जो बेचारा पीड़ित रविंदर से वो मड़ा हा मन करके बैठ गया, आंखें मासू आ गए और करे भी तो करे के बेचारा पुलिस तलन भी किसकी देख है। पूरा परिवार बहुत परेशान से, बाबू बेटा दोनों रोए। बाबू बेटा नु कहे भाई मारा सारा तो घर का सामान जलाए दिया और ना उन पर पुलिस की भी कार्रवाई कर दी, उल्टी हमने इसे दे है। और मार का नहीं तो गांव का सरपंच भी कोनी, ना हक की बात कंदा सरपंच, ना न्याय की बात कंदा। क्यों कोनी कंदा? क्योंकि हमने उसके वोट कौन दिए, जिसके दिए थे वो हार गया। इस मामले में यह बात फिर पूछी SHO दो, SHO ने मामले में संज्ञान लिया है और वह बोले भाई देखो बात तो सब कसूती और इसका पूरा ध्यान करूंगा मैं मामले का और इसकी जांच करवाऊंगा, अगर जैसी कोई बात है तो छोड़ू नहीं गा। ये पीड़ित परिवार के कहे, पीड़ित परिवार नु कह सके हम तो इस मामले ने अनिल विज दौरे जावांगे और कितने हमने न्याय की उम्मीद को नहीं, मारा कि समाधान होगा तो अनिल विज कर सके है। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा का फरीदाबाद। हरियाणा का फरीदाबाद में पिरथला विधानसभा सीकरी ते दोज का नहीं जाने वाला रास्ते की हालत नु समझ लो जमाए खराब है। रोड कति टूटा फूटा है, यो आज तक होनी इसने 10 साल हो गए। लोग इस तक कति परेशान हो लिए लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा, जिसके कारण लोग हमें भारी रोष है। कोई सुनता नहीं जहाँ तेब गांव वाले रोड पा लिए और गांव वाले के कैसे हैं विधायक नैन पालते तो उनने बहुत नाराजगी है। रोड पा की गांव वाले ने विधायक और प्रशासन के खिलाफ जमकी नारेबाजी करी और बोले कि भाई जब तक हमारे इलाके का काम नहीं होगा, रोड नहीं बनेगा, भाई हम तो आगे विधायक ने वोट दिया को नहीं और गेल ने दे दिए हमने बहुत सपोर्ट करा, हमारा इलाके तो जिताया लेकिन अगर ना वोट दिया और ना सपोर्ट करा। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र पे। दिल्ली में खिलाड़ी प्रदर्शन करने लग रहे हैं अपनी मांगा ने लेकर और हरियाणा के किसान नेता देश के किसान नेता उनका समर्थन करने लग रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत जिला प्रधान और ब्लॉका के प्रधान के घर में छापेमारी करी गई और गुरनाम सिंह हिरासत में ले लिया गया और कई नेता अपने घर में नजरबंद कर दिए गए, जिसने लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने CIA के बाहर प्रदर्शन कराया और प्रदर्शन कर रहे किसानों में तय संजू नंबरदार ने कहा है कि भाई महिला खिलाड़ी सांसद बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली का जंतर मंतर पे कई दिन तक प्रदर्शन करने लग रही है और सरकार सुती पड़ी है। इतने दिन पाछे भी ना आरोपी ने गिरफ्तार कर दे ना कार्रवाई कर दे, उल्टा हमने पकड़ने लग रहे हैं, अपने घर में नजरबंद करने लग रहे हैं। महिलाएं ने संसद कूच का ऐलान किया है लेकिन उड़ जाने नहीं देंदे, पहले पकड़ लिए। सारे किसान नेता है ना जल्दी ते जल्दी छोड़ दो, यो आंदोलन नु खत्म को नहीं हो, नु तो यो दूना दूना बढ़ेगा।